ये देख लो चलो 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 दार में मम्मा डोंट क्राई। सुप्रभातम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बड़े होंगे। ये देखिए इसको कहाँ गया, इसके ये मजे गद्दे में सोता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं वापस पिथौरागढ़, और अभी जस्ट उठे हैं और रेडी हो गए हम लोग, तो थोड़ी आंखों पे गौर मत कीजिएगा। और अंदर हमारे कल रात से लाइट नहीं है, तो अंदर भी अंधेरा अंधेरा चल रहा है। तो मैं आप लोग को यहीं पर मिलाती हूँ सभी लोगों से, और फटाफट से हम लोगों की गाड़ी में पैकिंग हो चुकी है। अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। यार है मैं छोड़ने एयरपोर्ट अभी ये खुद बिना उठे पता नहीं मुझे नहीं कुने तो लिया भाई। अभी हम निकल रहे हैं, तो ये देखो ये नीरू हमें यहाँ पे छोड़ने आई है। बच्चे से हम मिलके आ चुके हैं, ये देखो इनकी शक्लें। मैं नहा धो के रेडी हो गया हूं, आप जाने आंखें तो खोल लो पहले, मैं नहा धो के। हमारा किट्टू भी आ गया हमें छोड़ने, ये देखिए। और हमारी गाड़ी हो गई है पैक, मम्मी पता नहीं क्या ले रही है। तो देखो सुबह सुबह उठना पड़ रहा है इसको, ये इसके वजह से। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ने जा रहा हूँ मैं कार में। पूरा रास्ता भर चलाना पड़ेगा, थक जाऊंगा मैं। डेढ़ घंटे का रास्ता है भाई, यहाँ से 1-1.5 घंटे का। अरे किसी बात, चलाता हूँ उड़ाता हूँ। देखो अभी इसको सीधा जॉली ग्रांट में फेंक के आना है इसको। ये देखो इतने कम दिनों की छुट्टी आ रखी है, अभी तो 3 दिन के लिए आए थे। बताओ ये आप लोग अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो वो 5 दिन होते हैं। सैटरडे संडे को भी आए हुए दिन को हम नहीं गिनते ना, तो 4 तो हुए। 4 और जाए हुए दिन को भी नहीं गिनते हैं। सैटरडे को आए थे। ये किट्टू, मंडे ट्यूसडे किट्टू बहुत उदास। बाय बाय करने आए यहाँ पे, उसकी आंखों में जाएंगे तो हो गया। ये बाय बाय नहीं, जबरदस्ती उठा के लाई है तो बेचारी को। बाय बाय मुची, बाय बाय। वो देखो किट्टू रेडी हो चुका है इनको नब्बू छोड़ने के लिए। तो गाइस अब हम लोग निकलने वाले हैं, तो फटाफट नीरू को करेंगे। चलो रोने की एक्टिंग मत करना यार, थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे तो हम नीरू को करेंगे। बाय। ये देखो सब घर के बाहर आ गए। बाय बाय ढोलू, बाय बाय ढोलू। ढोलू को देखो, मम्मी चलो ठीक है, बाय बाय। ओह माय गॉड क्यूटी को देखो, ये नींदी में रहती है। ये 24 घंटों में 23 घंटे तो सोई रहती है। मम्मा डोंट क्राई, इसकी 10-12 हजार में बुकिंग करा देना, तब तक 10-12 ऐड कर लेना। अरे रोना नहीं यार, दूसरे महीने फिर बच जाएंगे। जा अपनी काली कुली लेके जा, अब गैस हो जाए अंदर। नहीं छोड़ दे, जाओ ना अगर चलो भाई पैर कौन छुएगा दीदी के? अरे दीदी चलो। सो गाइस वी आर रेडी गाइस छोड़ने। ये देखो कावड़ की भीड़, कावड़ ये देखो गाइस मौसम। माता श्री की तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं माता जी, 3 दिन की एंजाइटी हुई है मम्मा को। 3 दिन की छुट्टी लेगी तभी रिपेयर हो पाएगी। जाती 3 दिन सोने हैं तुम्हें, ठीक? अभी आगे कुछ नहीं होगा, मौसम चेंज। ओ नवीन होता, ओ सॉरी बैग निकालना है आपका। हम लोग निकलते हैं, ये बोल रहे जीपे कर। क्या जीपे कर? काट ले। क्या जीपे कर बोलना कैमरे के साथ? 500 जीपे जीपे। तो अब हम फटाफट से चलते हैं, प्रणाम वरनाम करते हैं फटाफट से। चलो दा प्रणाम, मिलते हैं गाइस। तू भी कर मुझे प्रणाम। दीदी प्रणाम। ये देखो आशीर्वाद। चलो अच्छे से जाना, और कुछ फ्लाइट गड़बड़ हो गई तो मेरे को बुलाना, पायलट आई तुम्हारे पास। दूसरी फ्लाइट भेज देंगे ना। इतनी गर्मी इतनी धूप यार, कहाँ गई मम्मी? कहाँ गई माँ? जॉली ग्रांट है। किट्टू आ जाओ बाबू, फिर हम मिलते हैं थोड़ी दिनों में। देखो तो ये किट्टू कह रहा है कि मुझे भी जाना है। मम्मी को फंसा दे, मैं भी जाऊँ। पापा मैं भी जाऊँ पूछ रहे हैं, पापा मैं भी जाऊँ बोल रहे हैं। तो किट्टू कह रहे मैं भी जाता हूँ। ये देख लो, ये देख लो। चलो 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 दा, रोना नहीं। हाँ चलो, हाँ अभी अभी रुलाती हूँ।
चलो किटू बाय बाबू। सिबो इस बेचारे को प्लेन देखना है और जाना भी है इसको। किटू नेक्स्ट टाइम आपको मैं लेके जाऊंगी। चलो 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 लेट हो रहा है। चलो बिन्नू चलो बाय 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 ठीक है। हाँ चलो 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 लेट हो रहा है। चलो थोड़ी सी तबीयत खराब है आजकल, जुकाम सर्दी लग गया है। तो आज मौसम बहुत बढ़िया है पिथौरागढ़ में, तो फ्लाइट टाइम पर है तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। और मम्मी तो मम्मी बोल रही थी कि इधर से यहाँ रुको, मम्मी बोल रही थी कि मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि कपड़े कितने के मिलते हैं। इससे अच्छा था हमारे यहाँ था पिथौरागढ़ प्रियंका ये वाली शॉप्स पे। हाँ तो मम्मी बोलती कि चल एक बार देखते हैं। तो मम्मी को एक मतलब साड़ी देख रही थी, मम्मी साड़ी देख रही थी और बहुत ही सिंपल जो मार्केट में हमें 250-300 रुपये वाली मिल जाती है। तो मम्मी कितने रुपए बोले साड़ी के बताओ? 3500। वो तो मैक्सी खाली नॉर्मल उसका था, मैक्सी ड्रेस का था। साड़ी का 7500 समथिंग रुपीज था। तो मम्मी कह रही नहीं नहीं चल एक बार चेक तो कर ही लेते हैं कि क्या क्या है। मम्मी का बड़ा मन कर रहा था कि आज दुकानों में जाऊँ और पूछूँ, और मम्मी पूछ के आई 7500 रुपये की साड़ी, और जो मैंने ऐसे नॉर्मल पहनी वो नॉर्मल ड्रेस मैक्सी ड्रेस 3500 रुपये की थी। तो मम्मी का मम्मी कह रही है हाँ हाँ भैया देखती हूँ देखती हूँ, और देखते देखते वापस निकल गई चुपके चुपके। मम्मी बाहर को निकल के आ गई। तो मम्मी कह रही हमारे पिथौरागढ़ में बढ़िया मिलता है इससे अच्छा। तो कई देर से वो जो दो लड़कियाँ घूम रही हैं सूट में उनको देख रही है, और मम्मी सोच रही है करते क्या काम है, यहाँ पर से उधर जा रहे हैं इधर आ रहे हैं, जॉब बढ़िया लग रही है मम्मी को है ना। आज मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो गाइज मम्मी को आप चहचहाते हुए नहीं देख पाएंगे, थोड़ा सा डल चल रही आज मम्मी, घर जाके ठीक होगी अब। ये देखिए तो अभी दिखाती हूँ मम्मी किन दो लड़कियों को देखे जा रही है तब से। वो जो दो आ रही है ब्लू दुपट्टे में और वाइट सूट पे, ये देखो मम्मी पता नहीं उन्हें क्यों घूरे जा रही है इतने प्यार से। आज मम्मी की दूसरी फ्लाइट है, सैटरडे को फर्स्ट फ्लाइट थी आज सेकंड फ्लाइट है। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है। तबीयत थोड़ी लो है गाइस, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जुकाम सुकाम सब लग गया है मम्मी को, तो इसलिए मम्मी ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रही। तो मैं आप लोग को अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ। ये देखिए बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं बस से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्टेशन बड़ा है तो पैदल पैदल नहीं जा सकते। जैसे पिथौरागढ़ में छोटा सा स्टेशन है, आप चल के ऊपर पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे आपको बस से जाना पड़ेगा। कोई भी स्टेशन पे आपको बस से ही जाना पड़ता है, बिकॉज इतना चल के नहीं जा सकते पैसेंजर। आ गए हम फ्लाइट पे, ये देखिए बैठ गई हूँ फिर से विंडो सीट पे। मुझे यहाँ वाले मिलते हैं, मुझे विंडो नहीं मिलते। हेलो बोलो। तो ये देखिए मम्मी फ्लाइट में आते हैं, मतलब कभी मतलब पिछली बार भी आई थी तो सिर्फ नीचे बादलों को देख रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे बादल दिख रहे हैं, और मम्मी तो ऑल टाइम नीचे देख रही थी। और मम्मी मतलब ज़्यादा टाइम बोली थी कि फ्लाइट 2-3 घंटे की क्यों नहीं है, क्योंकि 1 घंटा कुछ मिनट की ना। अभी देखो मम्मी को मिल गया ना जूस, और ये देखिए मम्मी को वाली सीट पर बैठा दिया हमने, क्योंकि मम्मी कहती मैं अकेले बैठूँगी अकेले देखूँगी। तो ये देखिए नज़ारे। बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा था यहाँ से, तो मैं देख रही थी बादल उठते हुए पंखे चलते हुए। तो अब थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं पिथौरागढ़, क्योंकि बहुत लंबा नहीं है सफ़र यहाँ पे से, 1 घंटा 10 मिनट ऐसे समथिंग है। ये देखिए ये तो ये देखिए पहुँच गए हैं पिथौरागढ़, और यहाँ पे दिखेगा अभी हमारा कामाख्या मंदिर। ये देखिए बहुत ही प्यारा लगता है, और बस लैंडिंग के लिए हम रेडी हो चुके हैं। ये देखिए गए हम पिथौरागढ़। हेलो बढ़िया। तो अभी आते ही मैं आ गई ऑफिस पे, मम्मी को बिठाया मैंने उधर, और अभी हम जाएंगे घर की ओर। तो अभी मेरे आते ही ऑफिस का थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ हुआ करती थी अलमीरा, अभी यहाँ चेंज कर दी, इधर लगा दिया, सिस्टम ही चेंज है भैया।
तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि टिकट, मतलब बार बार पूछ रहे थे कि टिकट कितने की पड़ी आपको, तो आप लोग को मैं बता, और जैसे कि मैं फ्लाई बिग में ही काम करती हूँ और मैं अपने ही कंपनी से मैं गई थी देहरादून के लिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितने की पड़ी थी टिकट मम्मी और मुझे। तो दो, मतलब दो लोगों का जाना और दो लोगों का आना, तो उस पर हमें लगा था 1000 रुपीज़ ओनली, 250 रुपीज़ पर पर्सन जाना, 250 रुपीज़ पर पर्सन आना, तो 500 मम्मी का 500 मेरा, 1000 रुपीज़ में हम लोगों ने पिथौरागढ़ से देहरादून ट्रैवल करके वापस भी आ चुके हैं। हम लोग सैटरडे को गए थे और आज हम लोग वापस आ चुके हैं। तो वैसे नॉर्मली आप लोग को टिकट्स वगैरह 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मिल जाती है, लेकिन अभी जैसे हम लोग स्टाफ हैं तो हम लोग के लिए काफ़ी, मतलब इसीलिए मैं आप लोग को जैसे बोलते हैं कि कभी एयरपोर्ट में कोई जॉब वैकेंसीज आते हैं तो आप लोग अप्लाई कीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे आपको एडवांटेज मिलेंगे आफ्टर गेटिंग जॉब। तो आप लोग को फ्री ट्रैवलिंग, हमें सिर्फ GST पे करना पड़ रहा था, जो कि 250 रुपीज़ बहुत ही छोटा अमाउंट होता है। यहाँ पर से आप कनाली सिन्हा भी जाओगे तो 250 रुपीज़ लगते हैं गाड़ी में, तो वही अगर आप लोग एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं या किसी भी कंपनी में है, इंडिगो या एयरलाइन में किसी भी कंपनी में है, तो आप लोग को कंपनी प्रोवाइड कराती है ट्रैवलिंग वगैरह फ्री रहता है, ओनली GST पे करना पड़ता है आपको, तो जो कि बहुत ही बेहतरीन है। देहरादून से आते मैं सीधे ड्यूटी पे आ गई थी, मैं घर गई फटाफट से, मैंने चेंज किया अंदर, मैं काम पे आ गई। अभी 5:30-6 बज रहे हैं क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग था, तो मैंने सारा काम कर लिया। ये देखो बाल के झिलझिले उठे हैं, और अब मैं दिखाती हूँ, हमें मिली फ्लाइबिक से क्यूट सी छाता, अभी दिखाती हूँ अंजलि को, पिंक पिंक वाइट कलर की क्यूट सी छाता लेके अंजलि चल दी अपने घर की ओर। अंजलि बाय बाय। तो अब मैं भी चलती हूँ, मैं पैदल पैदल वहाँ। ये देखिए कितना सुहाना मौसम हो रहा है और यहाँ पे वीडियोग्राफी चल रही है, ये देखिए